सर तुम अर्चना प्रेम की कोई खबर? राजेश भैया का थोड़ी देर पहले फोन आया था, प्रेम भैया की खबर मिल गई है, वो जल्दी वापस आ रहे हैं। लेकिन राजेश भैया ने वहाँ का नंबर दिया होगा जहाँ प्रेम ठहरे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं, फोन नंबर तो नहीं दिया उन्होंने। एक्चुअली डैडी ने फोन नंबर मांगा ही था कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हो सकता है फिर से फोन किया हो, मुझे पता नहीं, मैं तो भागी भागी इधर ही आ गई खबर देने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता फोन किया होगा, क्योंकि अगर फोन किया होता तो डैडी ने अभी तक यहाँ पे फोन कर दिया होता। आंचल, जब इतने दिन सब किया है तो एक दो दिन और। सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्रेम भैया वापस आ रहे हैं। और फिर मोगलों ने शिवाजी महाराज को अपने किले में कैद कर लिया, तो सभी लोगों को ऐसे ही लगा कि वो कभी वापस ही नहीं आ सकेंगे। मम्मी, पापा कब आएंगे? हमें उनकी बहुत याद आ रही है। पापा, राहुल चाचा प्रेम चाचा को ही लेने गए हैं ना, वो वहाँ गुम हो गए क्या? वो मिल तो जाएंगे ना? प्रेम चाचा बहुत अच्छे हैं, जब भी आते हैं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लाते हैं, और कहते हैं कि किसी से कहना नहीं। आपके पापा और राहुल चाचा प्रेम चाचा को ही लाने गए हैं, वो उन्हें लाए बगैर वापस नहीं आएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। तुम्हें क्या कह रही थी? तो किले के अंदर शिवाजी महाराज तो बहुत ब्रेवली थे। हेलो बहू। प्रणाम बाबूजी। जीती रहो बेटा, अभी अभी राजेश का फोन आया था, प्रेम मिल गया है। राहुल और राजेश उसे लेकर जल्दी ही लौट रहे हैं। मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें भी तो फिक्र लग रही होगी ना। हाँ बाबूजी, बच्चे भी बहुत याद कर रहे थे उन्हें। अच्छा बेटी, आराम करो। प्रणाम बाबूजी। अरे बच्चों, उठो 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 उठो, बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। याहू, क्या आप प्रेम चाचा मिल गए? हाँ। दादाजी ने क्या कहा? प्रेम चाचा मिल गए। वो कब आ रहे? अब वो बस जल्दी आ जाएंगे। यस, मास्टर आ गया। ये जब प्रेम चाचा आएंगे ना, तो मैं उनको बताऊंगी कि मैं ड्राइंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई थी। जब आएंगे तब, चलो चलो फटाफट सो जाओ। और लेकिन कहानी, अरे कहानी को मारो गोली, अब हम जल्दी 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 सो जाते हैं। और कहानी हम, लेकिन कहानी तो पूरी कर दो। अरे कल सुन लेंगे यार कहानी, इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद आप लोगों को कहानी की क्या पड़ी है? अरे 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 दो दिन से यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा आपको, लेकिन अब आप फिक्र मत करिए, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भैया, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब मैं चैन से मर सकूंगा? ऐसा मत बोलिए भैया, प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। राहुल, घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है। राहुल, राहुल, अर्चना की शादी करनी है, अगर मेरे जीते जी ये शादी होगी। प्लीज डोंट से दिस, प्लीज प्रेम भैया आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज। मैंने कहा ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो प्रेम, हम लोग बहुत जल्द घर लौट जाएंगे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, अगर आप जगह मैं आता तो आप जिंदगी होती। नहीं नहीं राहुल, अगर तुझे चोट लगती तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे भाई,
अच्छा हुआ तेरी तेरी जगह मैं आ गया। देख देख राहुल, घर का ख्याल रखना राहुल। अगर अगर कोई दिक्कत हो तो राजेश भैया से बात करना। मैं भी यही किया करता था। तू सब ठीक हो जाएगा। तू हिम्मत नहीं हारना राहुल। देखो देखो प्रेम, हिम्मत तुम हार रहे हो। हम तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। तुम राहुल मुझे एक और वादा कर कि तू अचल का ख्याल रखेगा। भैया प्लीज आप बिल्कुल ठीक है ना भैया? ठीक है ना। तुम बोलते क्यों नहीं भैया? डॉक्टर करिए प्लीज, डू समथिंग गॉड डैमन इट, प्लीज डू समथिंग गॉड डैमन इट। आप ठीक है ना भैया? किसी को बुलाइए ना प्लीज डॉक्टर। माँ, बेटा मैं अभी भगवान से तेरे बारे में प्रार्थना कर ही रही थी और तू आ गया प्रेम। माँ मैंने तुझसे वादा किया कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। देख मैं आ गया। प्रेम, राहुल और राजेश नहीं आए तेरे साथ? वो लोग आते ही होंगे माँ, लेकिन पहले मैं आ गया। ऐसा क्यों कह रहा है तू? तूने मुझसे कुछ मांगा था ना माँ? देख मैं तेरे लिए वो जरी वाली साड़ी लेकर आया हूं। प्रेम, तू अपने मंगनी के दिन क्यों नहीं आया? कहां फंस गया था तू? मां मैं एक अजीब से भंवर में फंस गया था। अगर तेरी ममता का सहारा नहीं होता ना तो शायद मैं इस भंवर से कभी नहीं निकल पाता। लेकिन प्रेम तू मुझसे इतने दूर क्यों चला जा रहा है? मेरे पास आ जा बेटा, मेरे पास आ जा। नहीं माँ, मुझे वापस लौटना है। मैं रुक नहीं सकता माँ, मुझे वापस जाना है। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। नहीं नहीं प्रेम, प्रेम रुक जा बेटा। मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा माँ। रुक जा बेटा। नहीं, तू मेरा इंतजार करना। तू जा नहीं सकता प्रेम। तेरा बेटा वापस लौटकर जरूर आएगा माँ। प्रेम वापस आ जा मेरे पास। रुक जा प्रेम, गायत्री। प्रेम जा रहा है, उसे रोकिए ना, उसे रोकिए। प्रेम जा रहा है। क्या पागलपन है? प्रेम अभी तक आया नहीं, आने वाला है। नहीं नहीं प्रेम अभी यहाँ था। पूछ में आओ गायत्री, यहाँ कोई नहीं आया था। तुम्हारे और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। प्रेम
I'm putting him to bed. He's no more. अर्चना, तू सिर्फ यहाँ की सफाई मत कर, जाके अपना कमरा ठीक कर। जानती है ना, प्रेम हमेशा तुझे डांटता रहता है। मम्मा, भैया कभी डांटते नहीं है। हाँ, बस इतना कहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे कमरे में आता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं म्यूजियम में आ गया हूँ। हाँ, तुम बच्चों को सर पे चढ़ा के रखा है उसने। उसकी लाड़ प्यार की वजह से राहुल भी बिगड़ता जा रहा है। हाँ, ये सब कहना प्रेम भैया के सामने। आए तो सही, उस दिन राजेश ने फोन करके कहा 2-3 रोज में हम चले आएंगे, लेकिन पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं। मम्मा, आ जाएंगे आजकल में, डोंट वरी ना। अब ये सिर्फ साफ सफाई करनी है कि और भी कुछ तैयारी करनी है? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। मुझे मुझे उसके लिए बेसन के लड्डू बनाने हैं। उसे लड्डू बहुत पसंद आते हैं, मुझे हमेशा ताने देता रहता है। कहता है बेसन के लड्डू सिर्फ मेरे जन्मदिन पे ही बनते हैं, पूरे साल के लिए मैं तो तरसता रहता हूँ लड्डू के लिए। वो आएगा तो उसे इतने लड्डू खिलाऊंगी और कहूंगी ये जन्मदिन के लड्डू है, ये मेरे जन्मदिन के लड्डू है। जब मेरा बेटा मेरे सामने आएगा तो क्या वो मेरा नया जन्म नहीं होगा? मम्मा, वो हम सबका नया जन्म होगा। हम सबकी सांसें जो अटकी हुई थी ना, वो फिर से चलने लगेंगी। तुम माँ बेटी बातें ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? मम्मा, लगता है डैडी जेलस हो रहे हैं कि सिर्फ हम दोनों बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ भी नहीं रहे हैं। डैडी, भैया का फोन होगा तो मैं बात करूंगी। हाँ हाँ। किसका फोन है? हेलो हेलो, प्रेम, प्रेम है? हेलो बाबूजी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है। मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि हम लोग शाम को आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हो, वेरी गुड। हेलो हेलो, क्या हुआ? हेलो, प्रेम, प्रेम का फोन था। हाँ हाँ, वो लोग आ रहे हैं। बोल रहा था, वो लोग आ रहे हैं। प्रेम आ जा रहा है। हाँ। अर्चना, जल्दी कर बेटा, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, मुझे बहुत सारी मिठाइयां बनानी है। वो आएगा तो उसे इतना खुश करूंगी, आइंदा मुझे 1 घंटे के लिए छोड़ के नहीं जाएगा। बेचारी आंचल, उसके साथ टाइम कैसे बिताएगी? चल, बहुत बोलने लगी हो। चल बेटा, घर पूरा साफ सुथरा कर, तुझे मालूम है ना भैया को घर कितना अच्छा लगता है। जल्दी कर बेटा। बंटी, तुम्हें प्रेम चाचा से मिलने चलना है या नहीं? चलना है। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रेम चाचा कब तक आएंगे? अरे, तुम लोग को प्रेम चाचा आने से पहले पहुंचना है कि बाद में? पहले। तो फिर झटपट तैयार हो जाओ बंटी, यहाँ आ जाओ, वरना दादाजी के घर पे हमसे पहले चाचा पहुंच जाएंगे। पापा वहां से क्या लाएंगे? वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। प्रेम चाचा भी हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे, वो जब भी कहीं जाते तो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाते हैं। अगर इस बार प्रेम चाचा कुछ भूले ना तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ। ऐसी नाराजगी किससे भाई? भाई, किससे नाराज होने की बात चल रही है? प्रेम भैया से। प्रेम भैया से? हाँ, राजेश और राहुल नागपुर गए थे ना, आज वो प्रेम को लेकर आने वाले हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। घर में ये खबर सुनकर तो सब खुश हो गए होंगे, और आंचल के जान में भी जान आ गई होगी। हाँ, आज सबके चेहरों पर फिर एक बार मुस्कुराहट आ जाएगी। इतने दिनों से जैसे घर में सन्नाटा सा छाया हुआ था। ठीक कह रही हो तुम दीदी। अब तुम दोनों यहाँ कैसे चली आई? अरे दीदी, बहुत दिनों से आने का सोच रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। हाँ हाँ, रेडियो प्रोग्राम जो हिट हो रहा है, घर वालों को मिलने की फुर्सत कहाँ। दीदी कैसी बातें करती हो। एक्चुअली
रेडियो प्रोग्राम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको टाइम नहीं लगता जितना उसकी तैयारी में लग जाता है। हम लोग यही आए थे बुकशॉप पर। अच्छा, किताबें खरीदने, लेकिन ढंग की मिली ही नहीं। अच्छा, आज मैं तुम्हारे रेडियो स्टेशन आऊंगी। क्यों भाई, मेगा से कॉम्पीट करने का इरादा है क्या? नहीं दीदी, ये तो मेरे प्रोग्राम में गेस्ट बनकर आएगी। और पता है टॉपिक क्या होगा? अपनी मौजूदगी के बिना अपने बुटीक को सक्सेसफुली कैसे चलाया जा सकता है। दीदी तुम्हें जल्दी जाना है ना, तुम तैयारी करो, मैं इसे देख लूंगी। अरे अरे तुम्हारा क्या बजट, अरे बचपन में कब जाएगा तुम्हारा? हेलो, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी, वो मेरे पेपर्स उड़ गए थे ना। आ, आ, मेरा पैर। चलो उठो, बहुत थैंक्स। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? आपको भी देख के चलना चाहिए। एनीवे, ये कुछ पैसे रख लीजिए, अपना इलाज करवा लीजिएगा। ये आप अपने पास ही रखिए, मुझे मेरे पेपर्स वापस देने की बख्शीश समझकर। हेलो, सुनिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, गुस्से और डर में मैं न जाने क्या अनाप शनाप बक गया। I'm sorry, I'm extremely sorry. Allow me to drop you somewhere, please. Actually, it happens with everybody. Actually, इंसान बेवजह अपना गुस्सा सामने वाले पर उतार देता है, या फिर अपनी गलती छुपाने के लिए सामने वाले पर बरस पड़ता है। पर आप भी जानती हैं कि गलती मेरी नहीं थी, बट आई एक्नॉलेज के मुझे भी इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए था। I'm extremely sorry. Please allow me to drop you somewhere. अगर आपने मुझे ये मौका नहीं दिया तो मुझे हमेशा यही लगता रहेगा कि आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। प्लीज, ठीक है, I hope you're okay. अरे नहीं नहीं, फाइल नहीं चाहिए भाई, मैं पब्लिशर के यहाँ थोड़ी ना जा रहा हूँ। ये आपकी फाइल नहीं है? तो मेरी फाइल है, बहुत दिनों से ऑफिस नहीं गई, सोच रही थी कि आज थोड़ी देर के लिए हुआ हूँ। जाना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, तुमसे कोई काम तो होगा नहीं। क्यों भाई, पहले हमें प्रेम की कोई खबर नहीं थी तो तुम्हें फिक्र लगी हुई थी, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा था। और अब जब पता लग गया कि वो मिल गया तो अब तुम सोचती रहोगी कि वापस कब आ रहा है। एक हेलो, हाय, मैं अर्चना बोल रही हूँ। हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आंचल है, मुझे उसे बात करनी है। हाँ एक मिनट, वो तुम्हारे लिए है अर्चना। हेलो, एक अच्छी खबर सुनाऊंगी तो क्या दोगी? पहले खबर तो सुनाओ। इतनी समझदार तो तुम भी हो कि अच्छी खबर है तो ऑब्वियसली प्रेम भैया की होगी। वैसे सिनेमैक्स में बहुत अच्छी फिल्म चल रही है, जुहू में एक नया सिजलर जॉइंट भी खुल गया है, एंड यू नो वहाँ के आइसक्रीम पार्लर में कौन सी आइसक्रीम खाऊं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अर्चना प्लीज पहले खबर सुनाओ ना, उसके बाद जो तुम चाहोगी मैं वही करूंगी। ओके, आई प्रॉमिस यू। भैया आज हम पा रहे हैं क्या? हाँ, अब इससे ज्यादा कुछ बोलकर मैं तुम्हारी खुशी में टांग नहीं अड़ाना चाहती। ओके बाय, एंजॉय योरसेल्फ। ओके बाय।
भैया प्रेम आज शाम को लौट रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा मैं जल्दी से वापस आता हूँ, तुम भी दफ्तर से जल्दी आना। भैया मैं सोच रही थी कि आज मैं दफ्तर नहीं जाऊँ। मुझे पता था, मैं तो पहले ही कह रहा था तुम मत जाओ, तुम्हारा मन तो लगेगा नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है मैं जल्दी से वापस आता हूँ, ये जरा मेरे पेपर्स रख देना। हाँ चल बाय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.